बेटमा की ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा में ढोल ग्यारस के अवसर पर विभिन्न समाजजनों द्वारा निकाले जाने वाले ढोल अखाड़े और झिलमिल नैनाभिराम झांकियों का कारवा आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसे निहारने के लिए नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों की संख्या में महिला पुरुष बेटमा पहुंचे। शाम होते ही बेटमा की सड़कें दुधिया रोशनी से भर गई। इस बार 5 झांकियां नगर में निकाली गई, जिसमें श्री कृष्ण ग्रुप की भगवान शिव तांडव प्रसंग की झांकी 40 फीट वाले ट्राले पर अपनी भव्यता प्रदान कर रही थी, तो वहीं कुश्वामित्र मंडल की झांकी में भगवान राधा कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे। इधर नगर परिषद बेटमा की झांकी भगवान शंकर द्वारा मार्कंडेय ऋषि की यमराज से प्राण रक्षा करते हुए दर्शाया गया। झांकियों के पूर्व विभिन्न समाज के डोले शाम होते होते अपने मंदिर से निकलकर सामूहिक रूप से गलगोया पहुंचे, जहां सभी समाजों की सामूहिक आरती की गई। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लंबे अरसे के बाद मैं तो कहूँ कोविड की बड़ी महामारी थी और हर एक व्यक्ति के अरमा मन में रह गए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आस्था और एक विश्वास भगवान में है और उनका जब डोल निकलता है और भवन पे जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अनेक व्यक्तियों का, सभी का, आम जनता का कल्याण होता है। उसी आशा और विश्वास के साथ लंबे अरसे से डोल ग्यारस का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है और हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण लोग भी यहाँ एकत्रित होते हैं। मैं हर वर्ष प्रयास भी करता हूँ कि इन लोगों के बीच में रहूँ। इस वर्ष भी हम लोग लगातार उनके बीच में हैं। इस बार लगातार सभी सोनी समाज, खंडेलवाल समाज हो, राजपूत समाज हो और भी अनेक माहेश्वरी समाज, सभी समाजों के ढोल के दर्शन किए, साथ ही सभी समाज के वरिष्ठ लोगों से मिला और हर एक जो पुरस्कृत जितने लोग जो अलग अलग तरीके से जो यहाँ अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं, प्रतिभाएं जो छुपी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी प्रतिभाओं का वो खुद जो कलाकार जो रहते हैं वो यहाँ जब उनकी कलाकार दिखाते हैं तो वो देखकर हमेशा दिल प्रफुल्लित होता है। उन सबको भी हम लोग हर वर्ष प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं और साथ में उनको एक अलग शील्ड और मेडल के नाम पर हम अलग से उनको देते भी हैं। और ऐसे अनेक ऐसे बच्चे मैं हमेशा सभी को कहता हूं कि जो जिनके पास प्रतिभाएं छुपी है गांव के अंदर और वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके अंदर, तो मैं हर एक व्यक्ति को मदद भी करता हूँ। वो इंदौर से लगाकर, भोपाल से लगाकर, दिल्ली, जहाँ भी उनको लगता हो कि जहाँ हमारी संस्था के माध्यम से उनकी मदद हो सकती हो तो हम सब करते भी हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस बेटमा नगर में ही नहीं संपूर्ण देपालपुर विधानसभा में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।